नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। पिछले कई महीनों से राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार पर वार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार भी उनके हर आरोप पर मुंहतोड़ पलटवार कर रही है। 4 जनवरी को कांग्रेस ने एक बार फिर संसद में राफेल डील का मुद्दा उठाया, जिस पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा करारा जवाब दिया जिससे कांग्रेस बौखला गई। संसद में मात खाए राहुल गांधी ने जयपुर रैली में फिर से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी आगरा रैली में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री के अपमान को देश की महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए कहा कि इस अपमान की कीमत गैर जिम्मेदार नेताओं को चुकानी पड़ेगी। हमें गर्व है, हमारे देश की एक बेटी जो पहली बार देश की रक्षा मंत्री बनी है और पहली बार एक नारी 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा की बागडोर संभाल रही है। यह नारी गौरव का विषय है, नारी अभिमान का विषय है। और जब हमारी रक्षा मंत्री एक महिला ने पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, उनके सारे झूठ को बेनकाब कर दिया, आपने देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और हमारी रक्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को पार्लियामेंट के सदन पर रख रही थी, ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए हैं, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है, और जिसकी कीमत ये गैर जिम्मेवार नेताओं को चुकानी पड़ेगी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर रक्षा मंत्री और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जयपुर रैली में आरोप लगाया था कि राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं और बचाव के लिए संसद में एक महिला को आगे कर दिया। उनके इस बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी ट्वीट किया। एक महिला से कहा मेरी रक्षा कीजिए, महिला विरोधी बयान है, क्या वो सोचते हैं कि एक महिला कमजोर है? राहुल गांधी देश की रक्षा मंत्री को ही कमजोर बता रहे हैं। पीएम मोदी ने आगरा रैली में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के जिस भाषण की तारीफ की है, वो भाषण उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी के सवालों के जवाब में दिया था। हाल ही में बहस के दौरान उन्होंने महज 7 पॉइंट में ही बता दिया था कि क्यों मोदी सरकार में हुई राफेल डील बेहतर है। आई वॉन्ट टू जस्ट वेरी क्लियरली से हाउ इज योर एग्रीमेंट बेटर देन आवर्स हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड। Again, quite a few members spoke about it. I want to just give you a few points to say on which score, on which count our agreement, the intergovernmental agreement is much better than what was in the non-deal. The non-deal which did not happen and their terms of condition, if you compare with us, in what way we are better. I'm giving you this, sir. I've already told you that the price that they're quoting for the basic aircraft, inclusive of escalation cost and inclusive of the exchange rate between euro and rupee, taken on board, their basic aircraft would have cost 737 crore. Whereas ours, which we have said in the parliament, others... No. Our price, which we have stated in the parliament, is 670 crore. So, the price that we have obtained for the basic aircraft is at least 9% lesser. That is therefore our agreement has given a better deal. Point number one. Point two, why is ours better? There is an overall improvement of 5 months in complete deliveries of the 36 Rafael aircrafts as compared to the MMRC. So delivery time has been condensed and reduced by 5 months. Therefore, that's the second point on which I would say ours is a better deal than this. Second. Third, I want to say that the initial
performance based logistics support was for 5 years for one squadron. Initial performance based logistics support was for 5 years for one squadron. In the 36 Rafale case, the performance based logistics support is for 5 years for two squadrons, and therefore ours is better. Now, next point. And this increase and betterment in the performance based logistics support is without any additional cost. This additional performance based logistics support, which we've obtained for two squadrons in the place of one which they had, is without any additional cost. And therefore, please remember, that does not inflate the cost. Then there is an increase in the PBL support in terms of flying hours also over the earlier PBL model. Even in terms of number of flying hours, the performance-based logistic support that we've got is much better than the PBL service that they had under the MMRC. Again, that was a non-deal, but still, if you want to compare, now even in terms of flying hours, we've got a better deal. Then, in terms of industrial support, sir, I want to say the French commitment for the industrial support has increased to 50 years as compared to the 40 years that their non-deal had. So our deal, the intergovernmental agreement, is much better than the non-deal which they keep quoting. So 50 years, we will have full support. Additional warranty, sir. The Indian side could obtain additional warranty for 3 most used aircraft for training. Those aircrafts which will be used for training, 3 of them will have additional warranty cover which we have obtained under the intergovernmental agreement. So I want to put before you, Deputy Speaker, that the terms that we have got under the IGA are far better in every count: price, delivery, maintenance, industrial support, additional warranty, other than, of course, the weapon package and advanced training, which I'm not disclosing here.